सभी ने चीजें बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। और आगे आने वाले बंदों के लिए भी मैसेज दे रहे हैं कि वो ना करे, है ना, ठीक है जी। एडवेंचर इज वेरी इम्पोर्टेंट, एडवेंचर करना चाहिए, कुछ अलग है। अगर आप एक बार आओगे उसमें क्या होगा, प्लस पॉइंट फिटनेस आपकी इतनी अच्छी होगी, है ना, आपके लंग्स इतने अच्छे होंगे, आप हमेशा स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को। और क्या चाहिए आज के डेट पे, फिट रहना, फिट इंडिया का भी चला हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नॉर्थ इतने अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, ये निकलेंगे एडवेंचर में, हो ट्रैकिंग हो, पासिस हो, एक्सपीडिशन हो, सब में पार्टिसिपेट करो। और हम थोड़ी स्पीड में थोड़े पीछे है ना, हमारे पास क्या अभी पता नहीं था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, आप केयर भी चुन सकते ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई घर बैठा है, ट्रैकिंग कराओ, पासिस कराओ आप लोग, है ना, इतनी अच्छी बात है। तो मैं शायद अभी तीन ब्लॉक को मैंने शायद चुना है, मैं कोशिश करूँगा इसमें कैपलबा ब्लॉक से आठ-नौ-दस देखो, आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बार फेयर सिलेक्शन होगा बेसिक के लिए, नहीं अपनी तरफ से होगा, अपनी तरफ से खर्चा करूंगा आपके लिए, ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक आपको आगे माउंटेन जिम में अगर कुछ करना है, बेसिक करना है, लेकिन उसके लिए पहले ट्रायल होगा। कल्पा ब्लॉक में इतने सारे आते हैं, है ना, कंपटीशन देना पड़ेगा आप सभी को, सही बात है ना। और फेयर होगा सर, मैं अभी बोल रहा हूँ इसे कोई भाई बंदी नहीं चलेगी, क्योंकि 10 बंदे हर साल अलग अलग ब्लॉक से निकालना है मैंने, है ना, आगे भी अपने इलाके को या अपने गांव को वो और एक्सप्लोर करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि देखो बर्थडे भी कर रहा है, आगे और गांव करें, संगा रक्षम चितकुल रकम पीओ सारे जगह जितने भी है वो अपने गाँव को थोड़ा सा ऊपर उठाए टूरिज्म में, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा है कि आपको एक पहचान भी देता है, सबको पता है हमारे पास इतनी अच्छी है, आपका बन सकता है इसलिए। जैसे बात से टूरिस्ट आता है उसके साथ भी मिलो, कोई बात नहीं, उनके साथ भी घुमाए, लेकिन एक चीज याद रखना, मेरा मतलब ऐसा नहीं बनाना है जैसे रश और गंदगी जैसा, वो नहीं, ऐसा ना कि टूरिस्ट आए, थोड़ी सी आप लोग अभी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक गार्बेज का कुछ करो, तो ये ज्यादा कि उसको कलेक्ट करो, है ना, उनको बोलो प्लास्टिक को वापिस दे, अगर वापिस मिल जाता है तो उसमें एक फाइन रखो। और एक चीज दूसरा ये चीज जरूर रखना उसमें, वो टूरिस्ट भी खुश हो जाए, चलो फाइन दे रहे हैं, अगर आप कहीं जाके वापिस आ रहे कुछ और जो गार्बेज उठा के हमारे को दे देते हैं, हम आपको भी इनाम देंगे, ये चीज जरूर रखना है। टूरिस्ट भी खुश, क्लीनिंग भी रहेगा, कई जगह आप नहीं उस जगह नहीं पहुंच पाओगे, वो टूरिस्ट पहुंच के वो जगह पे क्लीन करके आएगा, आपको कलेक्ट करेगा, तो आप इनाम दोगे, वो खुश हो जाएगा, क्लीन का क्लीन भी रहेगा और जो हमारा जो नेचर है वो सेफ रहेगा। तो आप प्लस पॉइंट यही है कि आपके मदर लैंड को बचाना है, कि मान लीजिए जिला से ग्लोबल वार्मिंग और किस वजह से हो रही है, हम ही अपने आप से गलतियां कर रहे थे, इतने प्लास्टिक फेंकते हैं, देखो यहाँ कितने सीवर नाले में आपको पता सबको कितना गंदगी है। पहले अपने अंदर गांव वालों को कराना है, गांव भी बहुत अच्छा है, सफाई रखते हैं, आदर्श गांव, जो आदर्श गांव मिलना बहुत बड़ी बात है। 2003 में साथ में प्रतिभा सिंह पटा और आग में प्रतिभा सिंह पाटिल से, और देखो क्या चाहिए आपको, इतना बड़ा अवार्ड मिला है और उसको हमने बरकरार करके रखना है, और वो आप ही रख सकते हैं। अभी सीनियर ने, अब ये नहीं बोलना आप लोगों ने सीनियर ने क्या, सीनियर ने अपने टाइम में उन्होंने कर दिया।